नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओएआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि रिकॉर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए जो ये समान हिंदी की पुस्तक लेके आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं तो एडवाइस करूंगी एक बार इसको आप लोग जरूर परचेज करिए और इसका अध्ययन कर लीजिए प्रीलिम्स पे बैठने के पहले। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं जहां त्वरित मुद्रास्फीति कीमतों का बढ़ता स्तर के साथ वृद्धि धीमी गति से हो। मतलब इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन जहां पर रैपिड इन्फ्लेशन तो है लेकिन ग्रोथ जो है वो स्लो है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैग्नेशन कहते हैं, डिप्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, या फिर रिसेशन कहते हैं। तो बताइए, तो क्या होगा? स्टैग्नेशन होगा, डिप्लेशन होगा, स्टैगफ्लेशन होगा, या फिर रिसेशन होगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है सी, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लास, तीन टर्म्स को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक आपका है इन्फ्लेशन, ठीक है, दूसरा हमारा है डिफ्लेशन, और अभी आपने देखा स्टैगफ्लेशन। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति की बात करें हम, इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, एक परचेजिंग पावर और वैल्यू ऑफ करेंसी। परचेजिंग पावर मतलब अगर मैंने आपको एक रुपए दिया तो आप एक रुपए में कितना सामान परचेज कर पा रहे हैं, ठीक है, वो उसकी परचेजिंग पावर बताइए, खरीद पा रहे हैं। ठीक है, एक रुपए दिया, मैंने कहा जाओ कुछ सामान खरीद के लेके आओ, एक रुपए में आप कितना सामान खरीद पा रहे हैं? तो हम कह सकते हैं जिसकी परचेजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। बताइए क्लास, अगर मैंने आपको एक रुपए दिया और आप एक रुपए में ढेर सारा सामान खरीद के ला रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ उस एक रुपए की वैल्यू बहुत अधिक है, तभी तो आप इतना ढेर सारा सामान खरीद के ला पा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी होती है, जो वैल्यू ऑफ करेंसी होती है, वो विद टाइम आपकी घटने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल जो मैं हमेशा क्लास में स्टूडेंट्स को देती हूँ कि अब आप समझो कि एक रुपए आपको दिया गया और एक ही रुपए आपके दादाजी को दिया गया था। आपके दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपके दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं, उनको जब आपने एक रुपए दिया उनके जमाने में, उनके समय की बात कर रही हूँ, आपके समय की बात नहीं कर रही हूँ, जब आपके बाबा दादा ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब उनको एक रुपए दिया जाता था तो वो इस एक रुपए में अपने कॉलेज की फीस, अपने हॉस्टल की फीस सब सबमिट कर लेते थे, साथ ही साथ अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे। ठीक है, एक रुपए में इतना ढेर सारा काम वो कर लेते थे। तो हम कह सकते थे आपके बाबा दादा के समय में जब वो लोग यंग थे तो उस समय एक रुपए की वैल्यू बहुत हुआ करती थी।
बहुत ज्यादा हुआ करती थी, 1 रुपए में वो कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस, नए कपड़े, सब इतना सामान खरीद लेते थे, सबमिट कर देते थे फीस। तो वैल्यू ऑफ करेंसी बहुत ज्यादा होती थी 1 रुपए की, परचेजिंग पावर भी 1 रुपए की बहुत हुआ करती थी। अब प्रेजेंट में अगर आप आइए और मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 1 रुपए दे रही हूं, जाओ मार्केट से कोई सामान लाओ, तो आप कहेंगे कि मैम 1 रुपए में तो एक टॉफी भी नहीं मिलती, मैं 1 रुपए में आपको क्या लाके दूं। तो क्या हुआ, विद टाइम जो वैल्यू थी 1 रुपए की वो घट गई, परचेसिंग पावर जो थी 1 रुपए की वो घट गई, और हम कह सकते हैं कि महंगाई आ गई। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी और वैल्यू ऑफ करेंसी जो थी वो घट गई विद टाइम। ठीक है, अब इस 1 रुपए की वो वैल्यू नहीं रही। ये चीज समझ में आ गया, जिसको कि हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। चलिए, ये हो गया इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन जो होता है ना वो ठीक इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। अब समझ लो कि जो 1 रुपए में आपके दादा बाबा जो थे वो कुछ नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन आज 1 रुपए में आप एक चॉकलेट खरीद ले रहे हैं, साथ ही साथ आइसक्रीम भी खा ले रहे हैं। ये समझ लो कि आज आप अपने समय में 1 रुपए में कुछ नहीं खरीद पा रहे, हो सकता है आपकी आने वाली जनरेशन 1 रुपए में चॉकलेट भी खा ले, आइसक्रीम भी खरीद ले। तो यहां पर क्या हुआ, विद टाइम जो वैल्यू ऑफ करेंसी थी वो बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, समय के साथ परचेसिंग पावर और वैल्यू ऑफ करेंसी जो थी वो आपकी घट रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। लेकिन डिफ्लेशन में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, समय के साथ जो परचेसिंग पावर थी करेंसी की, वैल्यू जो थी करेंसी की, वो आपकी बढ़ जाएगी, मतलब महंगाई घट जाएगी हम कह सकते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है क्लास, स्टैगफ्लेशन में जानते क्या होता है, यहां पर जो ग्रोथ होती है वो आपकी बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी रहता है। अब देखो, अगर मैं आज की कंडीशन में आप लोग से कहूं कि अगर आज की सिनेरियो को आप अपने बाबा दादा के सिनेरियो से कंपेयर करो, तो आप एक चीज तो कहोगे कि मैम महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, वैल्यू ऑफ करेंसी घट गई है, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी घट गई है, तो इन्फ्लेशन है, लेकिन मैम ग्रोथ भी हुआ है। ठीक है, जैसे आप रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन में देखते हो ग्रोथ हुआ है, आईटी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ है, तो ग्रोथ तो हुआ है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रोथ भी नहीं हुआ है, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बाबा दादा के समय में था वैसा ही आज भी है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, तब हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, स्टैगफ्लेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां रैपिड इन्फ्लेशन तो है, मुद्रास्फीति तो है, लेकिन जो वृद्धि दर है, ठीक है, जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो बहुत स्लो है। ठीक है, ये चीज, या तब उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, अगर अभी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर कवर कर लेंगे। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं क्लास, यहां पर आपका स्लेवरी की बात की गई है, दासत्व की बात की गई है, और यहां पर कौन सा एक्ट आपका स्लेवरी से रिलेटेड था, एक्ट फिफ्थ 1843, एक्ट फिफ्थ ऑफ 1843 जो कि स्लेवरी से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आपका कौन सा कथन सही है, ध्यान से देखिएगा कौन सा कथन सही है बोला गया। इसके द्वारा स्वामियों को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपने दासों को स्वेच्छा से अपनी भू संपदा के लिए बंधुआ की तरह रख सकते हैं। दूसरा बोला गया है, इसके द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया था। तीसरा आपको दिया गया है, परित्याग के मामले को सुलझाने के लिए न्यायालय और स्वामियों ने संयुक्त रूप से कार्य किया था। और आखिरी आपको दिया है, दास भूमि के स्वामी बन गए थे। तो यहां पर आपका पूछा गया है कि कौन सा आपका सही है ना, कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पर क्लास खाली एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, वो ये है कि इसके द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि स्वामी कहे कि ये जो दास है जो मेरे यहाँ काम कर रहा है इस पर मेरा अधिकार है, ठीक है, और इस अधिकार को प्रूव करने के लिए वो न्यायालय में जाए। तो इसके द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। वंचित मतलब अब आप डिप्राइव्ड हो, आप नहीं जा सकते हो अपने दास पर
क्लेम करने की, ये मेरी संपत्ति, वो आपकी संपत्ति नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, दास प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही एक कुप्रथा थी। ब्रिटिश शासन काल में 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब आपसे कभी भी पूछे कौन सा एक्ट स्लेवरी से रिलेटेड है, दास प्रथा से रिलेटेड है, या फिर किस अधिनियम में के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई थी, तो आप बताएंगे चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, याद रखिएगा। 1843 में एक अधिनियम आया जिसको कि एक्ट 4 कहते हैं, जिसके द्वारा इस प्रथा को कानूनी रूप से भी समाप्त कर दिया गया और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, मतलब अब आप दास को नहीं रख सकते हैं। अधिनियम 5 के द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया और दासों को स्वेच्छा से अपनी भू संपदा के लिए बंधुआ की तरह दासों को रखने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक्ट याद रखना है, ठीक है, कि कौन सा एक्ट था। तो एक्ट 5 के थ्रू 1943 में इसको कानूनी रूप से खत्म किया गया, और किस चार्टर एक्ट में दास प्रथा को खत्म करने की बात की गई थी, तो चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है, विनिमय दर एक मुद्रा के मूल्य को अन्य मुद्राओं के सापेक्ष दर्शाती है। मुद्रा की विनिमय दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एक्सचेंज रेट की बात हो रही है, ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या रिफ्लेक्ट करती है, वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू द अदर करेंसी। अब आपको पता है कि एक रुपए की, अगर हम एक रुपए को एक डॉलर से कंपेयर करेंगे तो एक डॉलर आपका एक रुपए से कई ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो एक्सचेंज रेट की यहाँ बात हो रही है क्लास। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। आप चाहे वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को आराम से पढ़िए। सबसे पहला आपको दिया गया है, करेक्ट आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। पहला आपको दिया गया है, अस्थायी विनिमय दर दरें ऐसी दरें होती हैं जिसमें सरकार अपनी मुद्रा को खरीद कर या बेच कर हस्तक्षेप करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आर दोज वेयर द गवर्नमेंट इंटरवीन बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसी, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है, नियत विनिमय दरें ऐसी दरें होती हैं जिन्हें सरकारी निर्णय द्वारा नियुक्त किया जाता है और जो सरकारी कार्रवाई द्वारा कायम रखा जाता है। अब आप क्लास थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, मैं आपसे कह रही हूं कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी क्या होती है, ठीक है, लेकिन अब आप शब्दों को पकड़ने का प्रयास करिएगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोला गया है कि वो एक्सचेंज रेट होता है जहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसी। दूसरा दिया गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, वो रेट होता है जहां पर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और ये जो एक्सचेंज रेट है वो मेंटेन होता है बाय गवर्नमेंट एक्शन, ठीक है। अब हर चीज फिक्स कौन करती है, अब आप बताइए, सरकार का जहां हस्तक्षेप रहा तो सरकार एक चीज को फिक्स कर देगी ना, तो अब आप बताइए वहां पर आपको ए और बी में से कौन सा सही लग रहा है, दोनों को कंपेयर करिए। फ्लेक्सिबल ने बोला है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसी, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है, और दूसरा आपको दिया गया फिक्स्ड में क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और गवर्नमेंट मेंटेन करती है बाय गवर्नमेंट एक्शन, मतलब सरकार का हस्तक्षेप यहाँ पर रहता है। कौन सा सही लग रहा है आपको, जब भी सरकार हस्तक्षेप करेगी तो किसी चीज को फिक्स करेगी ना, फ्लेक्सिबल तो रखेगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जब मन करे तो इतना बढ़ा दो, जब मन करे तो इतना बढ़ा दो, एक फिक्स एक्सचेंज रेट रखेगी ना, तो बी के होने के चांसेस आपके ज्यादा सही हैं। और देखते हैं, अंडर द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम एक्सचेंज रेट वेयर फ्लोटेड बेस्ड ऑन द फ्लक्चुएशन इन द गोल्ड प्राइस। और आखिरी दिया गया, अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड द एक्सचेंज रेट वेयर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डॉलर। अब देखिए, स्वर्ण मानक के अंतर्गत विनिमय दरें डॉलर की कीमत के अनुसार नियत की जाती है। अरे भाई, अगर वो स्वर्ण मानक है तो वहां पर डॉलर की कीमत के अनुसार क्यों नियत की जाएगी, अगर वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड, तो यहां पर एक्सचेंज रेट जो होगा वो डॉलर के वैल्यू के बेसिस पर क्यों डिसाइड होगा, वो तो गोल्ड के उस पर डिसाइड होगा ना, समझ में आ रहा है, गोल्ड के रेट पर डिसाइड होगा ना, ना कि डॉलर पे, क्योंकि नाम ही से क्लियर हो रहा है। तो ये तो आपका गलत है, फ्लेक्सिबल वाला आपका एकदम गलत है, क्यों, क्योंकि जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो यहां पर गवर्नमेंट कुछ चीजें फिक्स रखेगी, ना कि फ्लेक्सिबल रखेगी किसी चीज के अकॉर्डिंग। तो यहां पर अब आपका बच्चा बी और सी, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। अब याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड सिस्टम की जब हम बात करते हैं, यहां पर जो एक्सचेंज रेट था वो गोल्ड के प्राइस पर नहीं बेस्ड था, डॉलर के प्राइस की बात यहां पर की गई थी, अगर आपने थोड़ा समय पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो
बी हो जाएगा। ठीक है क्लास, क्वेश्चन बड़ा था, हो सकता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इसको स्किप कर देते, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं जब भी क्वेश्चन बड़ा हो तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो ऊपर क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दिया गया है कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। विनिमय दर एक मुद्रा के मूल्य को अन्य मुद्रा के सापेक्ष दर्शाती है। ठीक है, मतलब एक डॉलर है तो एक रुपए में क्या है। ठीक है, ऐसे ही कंपेयर करिए, एक्सचेंज रेट की बात हो रही है, दर्शा रही है क्या है। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, ब्रिटेन वुड और क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड की बात कर दिया। क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड वाला जो ऑप्शन आपको दिया गया वो तो सबसे आसान है, आप तुरंत उसको एलिमिनेट कर दीजिए कि क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ये वाला डी वाले की बात मैं करी। स्वर्ण मानक की बात हो रही है तो यहां पर हम डॉलर की कीमतों को क्यों देखेंगे, यहां पर हम गोल्ड की कीमतों को देखेंगे, आपने तुरंत एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास बचा तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन में दो जगह आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की बात की गई है। ठीक है, गवर्नमेंट के इंटरवीन की बात की गई है, एक जगह बोल दिया गया है वो फ्लेक्सिबल रहेगा और दूसरी जगह बोल दिया गया फिक्स्ड रहेगा। तो अरे जब सरकार इंटरवीन करेगी तो किसी चीज को फिक्स रखने का प्रयास करेगी, कुछ एक मानक डिसाइड करने का प्रयास करेगी ना कि फ्लेक्सिबल रहेगी, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बी और सी बचा, बी और सी, अगर ब्रिटेन वुड सिस्टम के बारे में आपको पता होगा तो आपको पता होगा यहां पर जो इम्पैक्ट था वो डॉलर की बात पे था। ठीक है, फोकस डॉलर पे किया गया था, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रही हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो हो सकता है आप डायरेक्ट आंसर पे ना पहुंचे, लेकिन आप 50-60% तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना क्लास, आप थोड़ा सा तो रिस्क ले सकते हैं ना। तो इसलिए प्रश्न को पढ़ा करिए, घबराया मत करिए। ठीक है, अगर अभी भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल और बिहार में निरंतर सन्यासी और फकीर अशांति का सामना किया। दूसरा आपको दिया गया, अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सहस्त्र दल बनाया। और तीसरा आपको दिया गया, मजनू शाह जिसने 1771 से बंगाल की ओर दलों को नेतृत्व किया उनका प्रमुख नेता था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इसमें क्या बोला गया है, कौन सा आपका करेक्ट है। तो एक एक बार सब देखते हुए चलते हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग फेस द कंटिन्यूअस सन्यासी और फकीर डिस्टर्बेंस इन बंगाल और बिहार, एकदम सही है। सन्यासी फकीर विद्रोह जो था आपका 1763 से 1773 तक चला आपका। ठीक है, और यहाँ पर सन्यासी विद्रोह का वर्णन तो आप सभी को पता है कि बंकिम चंद चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी किया है। परीक्षा में पूछा जाता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह के बारे में लिखा है, तो आप बता सकते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में, जिसका जिसको कि किसने लिखा, बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है। और ये समय किसका था, वॉरेन हेस्टिंग का था, एकदम सही है। दूसरा है, मैनी सैवा नागा सन्यासी फॉर्म द आर्म्ड ग्रुप, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सहस्त्र दल बनाया था। मजून शाह जिसने 1771 से बंगाल की ओर दलों का नेतृत्व किया उनका प्रमुख नेता था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, तीनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है क्लास, अगला हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दमोड़ मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है, इनमें समानता। तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल की बात की गई है और बोला गया है एलुवियल सॉइल की जो वैरायटी होती है क्लास, वो सैंडी लोम से क्ले, मतलब इसमें आपको वेरिएशन दिख सकता है। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है ये पूछा गया है, बताइए। पोटास कम होता है, फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरा दिया गया है, पोटास और फॉस्फोरस दोनों ही कम मात्रा में होते हैं। फिर दिया गया, पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं, मतलब सफिशियंट मात्रा में होता है, सिग्निफिकेंट मात्रा में होते हैं, और पोटास प्रचुर और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्लास, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि अगर हम भारत में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो भूभाग में आपकी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो यहां पर सी आपका सही है, दोनों आपका सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगला हम देखते हैं छठवां प्रश्न, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लोकमान्य तिलक, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी, बताइए।
जब भी हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की तो हम दो समाचार पत्र की बात करते हैं, एक आपका केसरी है और दूसरा मराठा है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है केसरी और मराठा। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो केसरी है वो मराठी लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है, और जो मराठा है वो किस लैंग्वेज में लिखा है, वो अंग्रेजी भाषा में लिखी पत्रिका है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी और जो मराठा थी उसको मराठी लैंग्वेज में लिखा था, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर केसरी को मराठी लैंग्वेज में लिखा था, मराठा को अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखा था, और केसरी की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणेश पूजन की शुरुआत महाराष्ट्र में की थी। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही विवरण नहीं है, या संसद का एक भाग है, यूनियन कैबिनेट की बात की गई है, फिर दूसरा है या संसद के प्रति उत्तरदायी है, या उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, और आखिरी आपको दिया गया है संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, हम यूनियन कैबिनेट की बात करते हैं, यूनियन कैबिनेट पार्लियामेंट का भाग होता है, एकदम सही है, ठीक है। पार्लियामेंट की बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा है ना आपकी, और लोकसभा राज्यसभा के ही कुछ जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनको यूनियन कैबिनेट में शामिल किया जाता है। इट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, यस इट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। फिर इट रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, सही बात है, जब तक कि संसद का विश्वास है तब तक ही सत्ता बनी रहती है, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, कॉन्फिडेंस लूज कर गई, तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ये आपको पता है ना। पर्सन आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, ये गलत है आपका, क्यों, क्योंकि संसद के बाहर के किसी भी व्यक्ति को कभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन क्या है, उससे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होती है, ये वाला बस कंडीशन होता है, 6 मंथ के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड, कैन नेवर बी नहीं, कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा था, तो इस वजह से डी आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं आठवां प्रश्न, विखंडन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा आपका सही है, प्रश्न बड़ा है क्लास, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहां पर आपको फिजन की बात की गई है, फिजन की, ठीक है, एक फिजन होता है एक फ्यूजन होता है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, फिजन और फ्यूजन, फ्यूज मतलब दो, ऐसे ऐसे अगर हम ड्रॉ करें, फ्यूज मतलब क्या, ये फ्यूजन, चीजें फ्यूज कर रही है, एक आपका होता है ना विखंडन, विखंडन, ये विखंडन है आपका, विखंडन में क्या होगा, चीजें टूटेगी, ये एक है, इसको तोड़िए, तोड़ रहे हैं, देखिए हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे, चीजें क्या हो रही, टूट रही है, विखंडन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका फ्यूजन है, फ्यूजन में आपकी चीजें जुड़ रही है बस, या एक कोशिक को, एक कौशिक जीव के कौशिक विभाजन द्वारा नए जीवों के सृजन से संबंधित है, क्या बोला गया, इट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहां पर क्या बोला गया, एक नए ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है बाय सेल डिवीजन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात यहां पर की जा रही है। दूसरा आपको दिया गया है, इसका संबंध गुरुत्तर नाभिक का लघुत्तर नाभिक में रूपांतरण है, इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियस इनटू द लाइटर न्यूक्लियस, और आखिरी आपको दिया गया है, या दो उच्चतर नाभिक के संयोग से एक गुरुत्तर नाभिक के सृजन से संबंधित है, इट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियस। अब आप बताइए, यहां पर जब हम
एक दो तीन के न्यूक्लियस को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो हैवियर होगा और इसका न्यूक्लियस उतना ज्यादा हैवियर होगा. तो इट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई. देखिए, या दो उत्तर नाभिक के संयोग से एक गुरुतर नाभिक के सृजन से संबंधित है तो वो क्या होता है, वो फ्यूजन होता है ना. यहाँ पर विखंडन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, यहाँ पर जुड़ रहा है. तो जब कोई चीज जुड़ेगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा हैवी होगा. मतलब दो लाइटर न्यूक्लियाई जब जुड़ेंगी तो जो हमको मतलब एक नया प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो न्यूक्लियस होगा वो हैवी होगा. तो वो तो फ्यूजन होता है ना कि फिजन होता है. तो ये तो आपका गलत हो गया. ठीक है, यहाँ पर आपका ये और ये सही है, पहला और दूसरा सही है. ठीक है क्लास, और ये आपका गलत है. देखिए, जब भी हम सन की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है. ठीक है, जब हम एटॉमिक बम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियर फिजन दिखने को मिलता है. देख लीजिए, विखंडन फिजन अलैंगिक जनन की सबसे सरल विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव जो मैंने आपको बताया है उसी का विभाजन हो रहा है. फिर इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक भारी नाभिक टूटकर या रूपांतरित होकर दो या दो से अधिक छोटे या हल्के नाभिक उत्पन्न करते. मैंने आपको बताया ना, कुछ इस तरीके का आपका होता है. ये टूटा, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई आपके बनेंगे इनका वेट लाइटर होगा, फिर ये और टूटेगा. तो ये एटॉमिक बम में दिखता है. फिजन की बात करेंगे तो फिजन वाला फिनोमिना एटॉमिक बम में, बस ये याद रखिएगा. और जब हम फ्यूजन की बात करेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है, फ्यूज कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये सन में और हाइड्रोजन बम. ठीक है क्लास, परीक्षा में ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा. चलिए अगला हम देखते हैं, नौवा प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा हृदय पेशी कोशिका की संरचना है. हार्ट मसल सेल का स्ट्रक्चर की बात यहां पर की गई है. तो आप पढ़िए यहां पर ए बी सी डी में से, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए. ठीक है, तो फिर मुझे बताइए. हृदय पेशी कोशिका की बात की गई है, हार्ट मसल सेल की बात की गई है, तो ये किस तरीके के स्ट्रक्चर इसमें होते हैं. इसमें आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच्ड होता है और यूनि न्यूक्लिएटेड होता है. ठीक है, यहां पर बेलनाकार शाखित और एक केंद्रीय स्ट्रक्चर होता है. तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एबीसीडी में से डी आपका सही उत्तर है. चलिए यहां पर देख लीजिए, हृदय पेशी कोशिका संरचनात्मक रूप से लंबी बेलनाकार शाखित एवं एक केंद्रीय होती है. और ये कहां पाई जाती है, हृदय में पाई जाएंगी आपका. चलिए दसवें प्रश्न को हम देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में सही है. तो स्टार्च और ग्लाइकोजन की बात की गई है, तो देखिए यहां पर क्या सही होगा. स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं. दूसरा आपको दिया गया, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों प्राणी कोशिकाओं में पाए जाते हैं. तीसरा आपको दिया गया, स्टार्च वनस्पति कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं और ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं. और आखिरी आपको दिया गया है, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों वनस्पति कोशिकाओं के साथ साथ प्राणी कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं. तो देखिए क्लास, जब हम स्टार्च की बात कर रहे हैं, स्टार्च की, तो स्टार्च जो है वो आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्टार्च वनस्पति कोशिकाओं में विद्वान होता है और ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल सेल में विद्वान होता है. तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा. ठीक है, सी आपका सही उत्तर है. अगला हम देखते हैं ग्यारहवां प्रश्न. भारत ने 10% एथेनॉल समित्रण लक्षित तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है. इससे निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक लाभ होगा. इंडिया हैज अचीव्ड द 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट मच अर्लियर देन द शेड्यूल्ड डेट. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम दिस. तो बताइए किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, शराब उद्योग को, चीनी उद्योग को, मक्का की खेती को या फिर कसावा. यहां पर अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो एबीसीडी में से होगा सी को, चीनी के उद्योग को. ठीक है, भारत में जब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं तो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट चीनी उद्योग को होगा. भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल को
मिलाने का लक्ष्य रखा था, ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था, और इसका लक्ष्य कब तक पाना था, 2030 रखा था, ठीक है, जो कि अब क्या कर दिया गया है, प्रीपोन कर दिया गया, 2025 कर दिया गया। यहां पर रुकिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाती हूँ। यहां पर देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की गई है और बोला गया है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, भारत ने बोला था कि, भारत सरकार ने बोला था कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कही गई थी, और इसको, इसका लक्ष्य जो था वो 2030 किया गया था, लेकिन अब इसको परिवर्तित करके 2025 कर दिया गया है, मतलब प्रीपोन कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे वाहनों में उपयोग किए जा रहे पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रित होता है, 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। भारत के संविधान की अनुसूची और विषय सूची के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पहली, तीसरी और पांचवी और नौवीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, इसमें बोला गया है उपयुक्त में से कितने सही हैं, बताइए कितने सही हैं आपके, खाली एक सही है, दो सही है, तीन सही है या फिर चार सही है, कितने सही है ये बोला गया है, क्लास ध्यान दीजिएगा। तो पहली अनुसूची में हम देखेंगे तो क्या यहाँ पर शपथ की बात की गई है, नहीं, पहली अनुसूची में शपथ की बात नहीं की गई है, इसमें भारतीय संघ में कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं उनकी बात की गई है ना, तो यहाँ पर गलत है, राज्य और मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, ना कि ओथ की बात की गई है। तीसरी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की गई है इसमें, तो यहाँ पर तीसरे में हम देखते हैं कि यहाँ पर पद ग्रहण की बात की गई है, जब पद ग्रहण करते समय कौन शपथ लेता है, बोला गया है ना, जिसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल आपके, इनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ की बात की गई है, ओथ की बात की गई है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। पांचवी अनुसूची देखेंगे तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उपबंध है, तो यहाँ पर आपका सही है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा गया है, ये आपका सही है, ठीक है। और फिर आपका आखिरी दिया गया है, नौवीं अनुसूची में क्या बोला गया, कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ये भी आपका गलत है, इसमें हम किसकी बात करते हैं, इसमें हम बताइए संविधान में या सूची जो है, इसमें हम बात करते हैं इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में, ना कि कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के बारे में, ये भी आपका गलत है। तो टोटल अगर हम देखेंगे इसमें खाली एक ही सही है, वो है तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी ऑफ अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो खाली एक ही पेयर आपका करेक्टली मैच्ड है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया ना क्लास, इस प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है कि 1, 2, 3, 4 में से कौन सा आपका सही है, इस प्रश्न में ये बोला गया है कितने आपके सही हैं चारों स्टेटमेंट में से, खाली एक, दो सही है, तीन सही है या फिर चार सही है, ठीक है, कितने सही है ये पूछा गया, इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका एक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि खाली जो पांचवी अनुसूची दी गई है वही आपकी सही दी गई है। क्लियर हो गया ना क्लास, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 प्रश्न पे। साहित्यिक कृति दी गई है और लेखक दिए गए हैं, लिटरेरी वर्क दिया गया है, तो चलिए दूत घटोत्कच दिया गया है, मिर्च कटिकम दिया गया है, कीर्तन जुन्नम दिया गया है और रावण वध दिया गया है। रावण वध भट्टी डी का फर्स्ट, दो जगह दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो दूत घटोत्कच जो है वो आपका दो हो जाएगा, भास हो जाएगा। मृच कटिकम की बात करेंगे तो सूद्रक हो जाएगा, बी का थर्ड। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, सी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं 14th प्रश्न। 1769 से 1770 के बंगाल का अकाल किसके कारण बदतर हो गया था, बताइए। यहाँ पर टिड्डे के अटैक के कारण, टिड्डा दल के हमले के कारण, चूहा का प्रकोप, करारोपण का उच्च स्तर मतलब हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन की बात की गई है और चेचक की महामारी। तो बोला गया है जो बंगाल फेमाइन था, जो बंगाल का अकाल था, वो किसके कारण और बदतर हो गया था, बताइए। तो यहाँ पर ना टिड्डे का अटैक हुआ था, ना चूहे का प्रकोप था, ना चेचक की बीमारी थी, हाई टैक्सेशन के कारण किसानों के पास ऐसे ही कुछ नहीं उग रहा था, ठीक है,
बहुत ज्यादा खेती में उनको बहुत ज्यादा हानि हो रही थी, उसके बाद उनके ऊपर एक हैवी टैक्स भी इम्पोज किया जा रहा था, कर लगाया जा रहा था कि आपको इतना ज्यादा टैक्स देना है। इसके कारण जो बंगाल फेमाइन था वो आपका और वर्स हो गया था, ये चीज याद रखिएगा। चलिए सी देखिए, 1769 से 1770 के बंगाल का अकाल करारोपण के उच्च मतलब हाई टैक्सेशन के उच्च स्तर के कारण बदतर हो गया था। वॉरेन हेस्टिंग की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रभावित क्षेत्रों के एक तिहाई लोग इस अकाल में मारे गए थे। अकाल आयोग 1880 में वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। तो पूछा जाता है जो स्ट्रेची कमिटी थी वो किस चीज से रिलेटेड थी, तो वो फेमाइन कमिटी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 15th प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त निधि सुविधा के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है, जिसकी चर्चा प्राय समाचारों में होती है। यहाँ पे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात की गई है, तो कौन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के द्वारा कंट्रीज की मदद करता है ये बोला गया है। ठीक है, फंड प्रोवाइड करता है और ज्यादातर ये न्यूज में रहता है, तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। जब कोई देश भुगतान समस्या के गंभीर माध्यम अवधि के संतुलन का सामना करता है, तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF जो है उस देश की अपनी फंड सुविधा से सहायता करती है, जिसको कि हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन पद्धति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का सर्वोत्तम वर्णन करती है, तो जल्दी से बता दीजिए क्लास क्या सही उत्तर होगा। यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या फिर लिस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 17th प्रश्न। 17th प्रश्न क्या है, कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है, तो क्या एक समान बना रहता है बताइए जल्दी से। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए क्लास, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु जो है ऊंचाई से फर्श पर गिरती है तब गिरने के दौरान इसकी जो त्वरण है एक समान बना रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका त्वरण जो है, जो एक्सेलरेशन है, वो आपका एक समान बना रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश में, हिंदी में आप देखिएगा इसको, इसमें वेरिएशन आता है। अब आप कोई चीज रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी रेस्ट में आते समय, और जब वो उसको हम किसी मूवमेंट में रखेंगे तो उसकी गतिज, यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है, ये सब वैरी करेंगे, मतलब ये सब, खाली एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं दिखेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गुरुत्व स्थित ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है, इसलिए ऊर्जा का संरक्षण, जो ऊर्जा संरक्षित रहती है वो तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो वाला फिनोमेना। बस आप ये याद रखिएगा, इस समय आपका एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपका चेंज होगा और साथ ही साथ मोमेंटम में भी वेरिएशन आपको दिखेगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 18th प्रश्न। सांग पहाड़
पढ़ा पहाड़िया पिंगो किस चीज से रिलेटेड है? बताइए किस चीज से रिलेटेड है? ग्लेशियर से, पेरी ग्लेशियर से, ठीक है, एलोलियन से या फ्लूवियल से? हिम नदी से, परिहिम नदी से, बातोण से या फिर नदी से? तो ये आपका जो है वो रिलेटेड है परिहिम नदी से। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 19th प्रश्न। मध्य युग के तांत्रिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। वे महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए खुले थे। दूसरा आपको दिया गया है अपने अनुष्ठानों के संदर्भ में तांत्रिक प्रणाली की प्रवर्तकों ने जाति और वर्ग के मतभेदों को नजरअंदाज किया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? जब भी हम तांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं मध्य युग के, तो ये दोनों महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए खुले थे, ये आपका सही है, ठीक है। और अपने अनुष्ठानों के संदर्भ में तांत्रिक प्रणाली के प्रवर्तकों ने जाति और वर्ग के मतभेदों को नजरअंदाज भी किया था। यहां पर कास्ट सिस्टम पे या फिर क्लास सिस्टम पर बेस्ड नहीं था, इसको नहीं प्रमोट किया जाता था, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर दोनों ही बिल्कुल सही है, सी आपका सही है। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। भारत का वाइसरॉय कौन था जिसने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था? बताइए किसने किया था? ये तो आसान है, लियंतगो ने, इरविन ने, रीडिंग ने या फिर वेबल ने? तो यहां पर आपका सही उत्तर एबीसीडी में से क्या है? अगस्त प्रस्ताव की बात हम करेंगे तो इसको पेश किया गया था लॉर्ड लियंतगो द्वारा। ये आपका सही उत्तर है। एक बार व्याख्या देख लेते हैं ताकि एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में रहे। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लियंतगो ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया था। भविष्य में भारत को डोमिनियन दर्जा देने की बात कही गई थी, ठीक है। इसमें अधिक भारतीयों को समायोजित करने के लिए वाइसरॉय की परिषद का विस्तार करने की बात कही गई थी। इसमें भारतीयों को शामिल करते हुए एक युद्ध सलाहकार परिषद की भी स्थापना की बात की गई थी। आपको पता है ये कौन सा सिनेरियो चल रहा है? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय क्या हुआ था? डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो इंडिया है वो सपोर्ट करेगा ब्रिटिशर्स का। इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स जो थे वो बहुत गुस्सा गए थे। उन्होंने कहा आज इंडिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और एक बार भी ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से सलाह मशवरा भी नहीं किया कि क्या भारत जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। सीधे आपने डिक्लेयर कर दिया कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगा और ब्रिटिशर्स का सहयोग करेगा। इसी के चलते आपको पता है आईएनसी ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। बाद में 1940 में इंडियंस के सपोर्ट के लिए एक ऑफर दिया गया कि हम आपके लिए एक ऑफर लेके आते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया? अगस्त ऑफर रखा गया। इसमें बोला गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, आप चिंता मत करिए, एक बार युद्ध खत्म हो जाने दीजिए, हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। हम क्या करेंगे? हम एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम जो कार्यकारी परिषद है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसका विस्तार करेंगे और उसमें ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड करेंगे। लेकिन आपको पता है अगस्त ऑफर से कोई बात नहीं बनी। फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर कोई बात नहीं बनी। क्रिप्स मिशन को तो पोस्ट डेटेड चेक कह दिया गया। तो अब जो भारतीय थे वो नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स का सहयोग करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। चलिए 21वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय ग्रहों का निर्माण मूल तारे के पास के क्षेत्रों में हुआ था जहां यह इतना गर्म था कि गैसों को ठोस कणों में संघनित नहीं किया जा सकता था। दूसरा आपको दिया गया स्थलीय ग्रह छोटे होते हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल बाहर निकलते वाली गैसों को रोक नहीं पाता है। फिर तीसरा आपको दिया गया है सूर्य के नजदीक सौर वायु सबसे अधिक तीव्र थी, इसलिए इसने स्थलीय ग्रहों से बहुत सारी गैसें और धूल उड़ा दी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बोला गया है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्लास, क्योंकि जरूरी है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात की गई है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड इन अ रीजन क्लोज टू द पेरेंट स्टार।
वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर अ गैसेस टू कंडेंस इनटू अ सॉलिड पार्टिकल। दूसरा आपको दिया गया है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैन नॉट रिटेन द गैसेस दैट एस्केप। और आखिरी आपको दिया गया सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन सो इट ब्लू अवे मच ऑफ द गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो यहां पर आपको सही उत्तर क्या होगा बताइए बताइए क्लास। तो यहां पर ये तो आपका सही, आपको ये चीज तो समझ में आ रहा है कि जो स्थलीय जो ग्रह होते हैं उनका निर्माण मेनली जो मूल तारा जो मेन है, जैसे अगर हम सन की बात करें सन के पास जो आपके हैं ठीक है ग्रह, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहेंगे। और यहां पर ज्यादा गर्मी होती है और इस गर्मी की वजह से जो गैसें होती हैं वो ठोस पदार्थों में नहीं कन्वर्ट हो पाती, नहीं कंडेंस हो पाती है। ये बिल्कुल सही आपका दिया गया है ठीक है। और यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, जिसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी इन गैसेस को नहीं रिटेन कर पाती है, कि वो रिटेन नहीं कर पाती, इसी वजह से वो एस्केप कर जाती है, बाहर निकल जाती है। सोलर विंड्स यहाँ पर ज्यादा होंगी क्योंकि ये प्लैनेट्स जो है वो सन के पास में है ठीक है, और यहाँ पर हीट भी बहुत ज्यादा होगी, तो सोलर विंड और हीट दोनों बहुत ज्यादा। सो इट ब्लू अवेज द मच गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है। याद रखिएगा क्लास, इसको अगर आप पॉज करके एक बार और पढ़ना चाहें तो आप पढ़िएगा इस प्रश्न को, आपको उत्तर मिल जाएगा। यहां पर जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सब सही दिए गए हैं। अगला हम देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से प्रश्न को पढ़िए। यहां पर क्या दिया गया, जैन धर्म एक रूढ़िवादी धर्म था ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है जैन धर्म के अनुसार संसार का कोई आदि या अंत नहीं है। और आखिरी दिया गया है जीव और जीव के एक साथ आने से कर्म का निर्माण होता है जो जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र की ओर ले जाता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। ये रूढ़िवादी था जैन धर्म, जैन धर्म रूढ़िवादी नहीं था ठीक है। आपको पता है महावीर स्वामी ने वैदिक सत्ता को अस्वीकार किया था ठीक है, तो पहला तो आपका गलत है। जैन धर्म के अनुसार संसार का कोई आदि या अंत नहीं है, ये आपका सही है ठीक है। और आखिरी जो आपको दिया गया है जीव और जीव के एक साथ आने से कर्म का निर्माण होता है जो जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र की ओर ले जाता है, ये भी एकदम सही है। तो यहां पर आपका सही क्या होगा, पहला तो आपका गलत है, जहां जहां पहला दिया इसको हटा दीजिए, तो आंसर में तो आपको खाली दो और तीन बचा ठीक है। अगर आपको यही पता होता कि जैन धर्म ऑर्थोडॉक्स रिलीजन नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, ब्राह्मणिज्म को जो बढ़ती यहाँ पे जो कुप्रथाएं बढ़ रही थी उसको हम कह सकते हैं उसको रोकने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म आया ठीक है, तो जैन धर्म एक रूढ़िवादी धर्म नहीं था, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 23वां प्रश्न, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से। यह 1986 में स्थापित भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था, नीलगिरी जैव मंडल की बात की गई है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो इट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एस्टैब्लिश इन 1986। फिर आखिरी दिया गया है यह पश्चिमी घाट में स्थित है, इसमें केवल तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ये आप सभी को पता होगा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था, 1986 में स्थापित किया गया था, एकदम सही है। लेकिन इसमें केवल तमिलनाडु और केरल के ही कुछ हिस्से नहीं, इसमें आपके कर्नाटक के भी कुछ भाग शामिल है, इस वजह से गलत है। याद रखिएगा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, इन तीनों के हिस्से इसमें आते हैं, तो यहां पर खाली आपका ए सही है, दूसरा आपका गलत है। अगला हम देखते हैं 24वां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। तो देखिए साइमन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पर विचार करने के लिए इसका आयोजन किया गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्रदान करने के मुद्दे पर इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। तो आपको पता है जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसका मेन पर्पस यही था, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको डिस्कस करना ठीक है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया था। उस समय हमारे भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसके चलते इन्होंने बायकॉट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को।
लेकिन बाद में गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करने को मान जाती है और गांधी जी सरोजनी नायडू के साथ और कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स के साथ जाते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं क्लास 25वां। यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की गई है, नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है। नीति निदेशक तत्व 1919 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित निदेशक में उपकरण इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलते जुलते हैं। फिर आपको दिया गया है नीति निदेशक तत्व गैर न्यायिक प्रकृति के होते हैं, तो बताइए यहां पर आपका सही क्या है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सिमिलर टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तो इतना तो सही है। दैट इज मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, 1935 होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जुडिशियल इन नेचर, ये आपका सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, केवल दो। ठीक है, बी सही होगा। पता चल गया ना क्लास, यहाँ पर 1990 नहीं, मॉल यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नहीं, यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलते जुलते हैं डीपीएसपी। तो बी आपका सही उत्तर है। 26 देखते हैं, यूट्रोफिकेशन के संबंध में बोला गया है, तो चलिए इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये तो हमने कई बार डिस्कस किया है, अब आप लोग को पता भी होगा। इसका तात्पर्य एक झील जैसे पुराने जलीय पारिस्थितिक तंत्र में फॉस्फोरस नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि से होता है। मतलब हम कह रहे हैं कोई आपका ओल्ड एक्वेटिक सिस्टम है, चाहे लेक है, कुछ भी लेक में या कोई भी एक्वेटिक सिस्टम में, जब ग्रेजुअल इंक्रीज होता है इन द कंसेंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट, तब यूट्रोफिकेशन का होता है फिनोमिना। यह घटना शैवाल फस्फुटन मतलब एल्गल ब्लूम की ओर ले जाती है। और आखिरी आपको दिया गया है, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता या उर्वरता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है क्योंकि पोषक तत्वों में तोड़े जा सकने वाले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ जाती है। रिप्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी ऑफ सच इकोसिस्टम नेचुरली इंक्रीजेज एज अमाउंट ऑफ डीकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज है। यहाँ पर आपको बोला गया क्या सही है, तो ये इसमें आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब देखिए क्लास, एक बहुत सुंदर से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक एग्रीकल्चर लैंड है, समझिए। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड में एक फार्मर ने एनपीके की मात्रा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम की मात्रा खूब छिड़की है अपने एग्रीकल्चर लैंड में। थोड़ी ही दूर पर एक झील है या फिर लेक है। एक दिन बहुत तेज से बारिश हुई और इसके कारण क्या हुआ, ये एनपीके बह के इस लेक में जाकर मिल गया। ठीक है, और भी न्यूट्रिएंट्स इस लेक में जाकर मिल गए। अब जब इस पानी में एनपीके की मात्रा बढ़ गई, न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए, तो जो एल्गी थे छोटे मोटे, उनको ज्यादा खाना मिल गया। अब एल्गीज को ज्यादा खाना मिल गया तो इनका मल्टीप्लिकेशन होने लगा, मतलब ये बहुत तेजी से इनकी ग्रोथ होने लगी, एल्गल ब्लूम हो गया। ठीक है, पहले कम एल्गी थी क्योंकि पानी में कम न्यूट्रिएंट था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ज्यादा न्यूट्रिएंट आने की वजह से पानी में एल्गीज की जो अमाउंट था, जो एल्गीज की जो नंबर्स थे, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। ठीक है, और बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो हम कह सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी थी इकोसिस्टम की, वो नेचुरली बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब जितने एल्गल ब्लूम्स आपके मतलब बढ़ेंगे, जितना ज्यादा एल्गल ब्लूम्स होगा, एल्गी की क्वांटिटी होगी, जो हरी हरी आपको परत नहीं दिखती पानी में जम जाता है हरी हरी काई की तरह, तो वो बहुत तेजी से, तो उनके वजह से कुछ नुकसान भी होगा। जिससे क्या नुकसान होगा, जब ये हरी हरी परत पूरे पानी में लेक में आपके ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो जो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से और सनलाइट से इस पानी का कॉन्टेक्ट पूरी तरीके से खत्म कर देगी ना, काई जम जाएगी, तो क्या होगा, जो एयर से कांटेक्ट था, जो सनलाइट से कांटेक्ट था पानी का, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और धीमे धीमे पानी के अंदर डीकम्पोजिशन होने लगेगा।
ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब ये जो एल्गीज है वो मरेंगी भी तो इनकी बॉडी डिकम्पोज करेगी, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करेगा, जिसके वजह से जो पानी में पहले जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था डिजोल्व वो आपका कम होने लगेगा और साथ ही साथ नए ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा पानी में। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से ये एल्गल ब्लूम क्या करी, सनलाइट को पानी के अंदर नहीं आने दे रही है। और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कौन बढ़ाएगा? जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं। लेकिन जब उनको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, सनरेज ही नहीं मिलेगा, तो वो पानी में ऑक्सीजन कहाँ से बढ़ाएंगे? समझ में आ रहा है? तो धीमे धीमे पानी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ये यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है और डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बस ये याद रखिए, जब भी पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ेगी, एनपीके की मात्रा बढ़ेगी, तो जो एल्गीज थे छोटे छोटे उनको ज्यादा खाना मिलेगा। जब ज्यादा खाना मिलेगा तो ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगा, वो बहुत तेजी से पानी में बढ़ेंगे और एल्गल ब्लूम होगा। ठीक है, और इसके चलते धीमे धीमे पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो खत्म होता जाएगा। चलिए, डी आपका सही उत्तर है। 27वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा स्फीति के प्रभावों के लिए समायोजित नाममात्र विनिमय दरों के भारित औसत के संदर्भ में सही है? तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिफर्स टू द वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या फिर मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर मुद्रा स्फीति के प्रभावों के लिए समायोजित नाममात्र विनिमय दरों का भारित औसत है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 28वां प्रश्न। सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निजी निवेश व्यय में वृद्धि को क्या कहते हैं? What is the term used for increase in private investment expenditure driven by an increase in government expenditure? इसको हम क्या कहते हैं? Crowding कहते हैं, deficit financing कहते हैं, crowding out कहते हैं या फिर pumping out कहते हैं? तो बताइए, crowding in कहते हैं, ठीक है, अंतर्गमन की बात कर रहे हैं हम, crowding in की बात कर रहे हैं, deficit financing कहते हैं, crowding out कहते हैं या फिर pumping out कहते हैं? क्या बोला गया है? Increase in private इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ड्राइवन बाई द इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निजी निवेश में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्राउडिंग इन कहते हैं, याद रखिएगा। सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निजी निवेश व्यय में वृद्धि को अंतर्गमन कहा जाता है, क्राउडिंग इन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में कमी निजी निवेश के खर्च में कमी की ओर ले जाती है और इससे कुल निवेश खर्चा की वृद्धि दर प्रभावित होती है। और वहीं सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निवेश व्यय में कमी को क्या कहेंगे? बहिर्गमन कहेंगे, जिसको कि हम क्राउडिंग आउट कहेंगे, जब सीधा इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न में सही उत्तर क्या है? ए। ठीक है, जब आपका सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निवेश व्यय में कमी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट कहते हैं। चलिए, अगला हम देखते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश फर्म सूरजमल नागरमल ग्रुप ने ली थी? तो यहाँ पर सूरजमल नागरमल ग्रुप ने ली थी, ब्रिटिश फर्म वॉज टेकन बाय। तो ये तो आपका प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है, कम पूछने के आसार भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, 1862 में सूरजमल और नागरमल ग्रुप ने ब्रिटिश फर्म कौन सी ली थी? मैकलोड ली थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न देखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रिटीज की बात की गई है कि कौन सी ट्रिटी कब साइन हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सालबाई की संधि दी है, पुरंदर की संधि दी है, बड़गांव का कन्वेंशन दिया है, उसके बाद सूरत की संधि दी गई है। ठीक है, को देखते हैं, सूरत की संधि जब हम देखेंगे क्लास, तो 1775 में, पुरंदर की संधि ठीक इसके बाद 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में और ये सालबाई की संधि 1782 में। तो अब इसको अरेंज करेंगे तो चार पहले होगा, फिर कौन सा होगा? दो पुरंदर की संधि, फिर बड़गांव की संधि, फिर ट्रिटी ऑफ सालबाई। तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, 31 देखते हैं हम, 31 प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार हुमायूं से संबंधित नहीं था? बताइए, मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुसाविर या फिर मौलाना यूसुफ या फिर बेहजाद।
तो मीर सैयद सई अली जो था वो आपका अकबर के काल का चित्रकार था, ठीक है, याद रखिएगा। वो किस समय का चित्रकार था? वो अकबर के काल का चित्रकार था, ना कि हुमायूं के। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो ए हो जाएगा, और सब जो है वो हुमायूं के समय के थे। 32nd देखते हैं, बड़ा प्रश्न है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए क्लास। किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बोला गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद में संशोधन के प्रस्ताव लाना होगा, ठीक है। संसद द्वारा संशोधन करने के बाद आधे राज्य द्वारा उसका अनुसमर्थन आवश्यक होगा, और आखिरी दिया गया विधान को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना होगा। देखिए क्लास, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम किसी नए स्टेट को फॉर्म कर रहे हैं या फिर उसकी बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं या फिर हम उसके नाम में किसी तरीके का परिवर्तन कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए हमें आर्टिकल 368 का यूज नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल 368 का यूज नहीं होगा। यहां पर जब आप देखेंगे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, वहीं पर आपका दिया गया है, ये इसका प्रोविजन आपका आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। यहां पर हमें आधे से ज्यादा राज्य से अनुसमर्थन नहीं लेना पड़ेगा। हमें अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट में फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचा में किसी भी तरीके का परिवर्तन जब होता है, तब हमें जरूरत पड़ती है कि स्टेट को भी उसको पास करना चाहिए। इस केस में नहीं, यहां पर विधान को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से ही पारित कर दिया जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है। तो यहां पर सी आपका सही है। यहां पर एक बार व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए जो विधान बनता है, उस विधान को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संसद में संशोधन प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं होती है, और न ही आधे राज्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं हम लोग 33rd प्रश्न को। संसद की संरचना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो चलिए बताइए कौन सा सही नहीं है। यहां पर राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, ऐसा कुछ है बताइए। लोकसभा में संघ राज क्षेत्रों में प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। तो यहां पर आपका क्या सही उत्तर है, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्लास, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं, सही है। राज्यसभा में 12 नामांकित सदस्य होते हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है। देखिए पहले दो ये वाला ठीक है, फिर लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन यहां पर राज्यसभा में क्या हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोगों को? नहीं। तो आपका सीधे ही सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए, आपको पता है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 34th प्रश्न को। अब हम देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? तो बताइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, किसी मंत्री के, प्रधानमंत्री के, या किसी राजनीतिक दल के? नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जा रही है क्लास। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हमेशा मंत्रिपरिषद के लिए के अगेंस्ट लाया जाता है। सेंसर मोशन जो होता है वो किसी स्पेसिफिक मंत्री के लिए लाया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा या उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। और जो सेंसर मोशन होता है वो किसी एक स्पेसिफिक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी पास होगा तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। 35th देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो किसके में कोशिका भित्ति नहीं होती है बताइए? सेल वॉल किसके में नहीं होती है? बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, फंजाई में, या फिर ह्यूमंस में?
तो यहाँ पर एबीसीडी में से आपका सही उत्तर है ह्यूमंस, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ठीक है क्लास, और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास।